नमस्कार, मैं मनु सिंह। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मिस्टर सुरेश कुमार। क्या होती है IPC? बहुत सारे नागरिक बस का क्वेश्चन। नमस्कार, मैं मनु सिंह और हमारे साथ है सीनियर एडवोकेट मिस्टर सुरेश कुमार सिंह। आप देख रहे हैं इंडियन लॉ और आज हम बात करेंगे CRPC में चैप्टर 24 से, जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरी एंड ट्रायल। इसमें आज हम चैप्टर 304 और 305 लेंगे। पिछले वीडियो में हमने 303 और 302 के बारे में बात किया था। उस वीडियो को हम इस वीडियो से कनेक्ट कर देंगे ताकि आप आसानी से हमारे पुराने वीडियो तक पहुँच सकें। आपका अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, उसका जवाब हम आपको देंगे। अगर वीडियो बनाना वाला होगा, बड़ा का सवाल होगा, तो वीडियो बना के, अदरवाइज़ हम उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ही दे देंगे। हम चाहते हैं आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नॉलेज लोगों तक पहुँचे। अगर आपको कोई फ़ायदा पहुँचता है तो वो भी लिखें ताकि हमें पता चले कि लोगों को इससे फ़ायदा पहुँच रहा है। चलते हैं सर के पास और जानते हैं CRPC सेक्शन 304 और 305 के बारे में। सर, 304 बड़ा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। ये ऐसे अभियुक्त के लिए है जो जिनके पास संसाधन नहीं है, जो वकील नहीं कर सकते हैं। अगर सेशन कोर्ट में बिना अधिवक्ता के वो हाजिर हो रहे हैं और न्यायालय को ऐसा लगता है कि इसके पास ऐसा संसाधन नहीं है कि अपना वकील कर सके, अधिवक्ता कर सके और अपने को बेगुनाह साबित कर सके, ऐसे स्थिति में न्यायालय का दायित्व होता है कि वो उस अभियुक्त को या उस अपराधी जिसके खिलाफ ट्रायल चल रहा है जी, उसको वकील उपलब्ध करावे जी। ठीक है जी। और दो है उसी में, इस विषय में जो उत्तर प्रदेश सरकार जी, जो भी प्रदेश सरकार की अनुमति से, प्रदेश सरकार के आदेश, हाँ, अनुमति से ही जी, और उच्च न्यायालय जो है जी, वो समय समय पर क्या किसको वकील को क्या फीस देना है, फीस ये सब तय करना का नियम बना सकती है। और वो किसी सेशन न्यायालय के अलावा भी किसी कोर्ट पर अगर ऐसी स्थिति आती है कि कोई अभियुक्त ट्रायल के समय उसके पास संसाधन नहीं है, वकील नहीं कर सकता, तो वो उपलब्ध कराना, समय समय पर कानून बनाकर उपलब्ध कराना, ये दायित्व है उत्तर प्रदेश प्रदेश सरकार व माननीय उच्च न्यायालय जी, और उस विषय में कानून नहीं बना सकते हैं, ये उनको अधिकृत किया गया धारा 304 जी। तो ये बहुत रिलेवेंट चीज़ है, सब लोगों के लिए जानकारी के लिए बड़ा उपयोगी है जी। कि अगर जिनके पास संसाधन नहीं है, उनके खिलाफ कोई अभियोजन चल रहा है जी, वो अभियुक्त हैं, वकील नहीं कर सकते हैं, तो न्यायालय उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वकील उपलब्ध कराएगा। ये अपने हिंदुस्तान का कानून है जो बहुत उपयोगी है सामान्य आदमी को न्याय दिलाने के लिए जी। बहुत इम्पोर्टेंट है जी। और धारा 305 जो है जी, वो निगम, कॉरपोरेशन, इनके सब के लिए है जी। ये अपना अगर कोई प्रोसिक्यूशन चल रहा है, कोई अभियोजन है जी, तो वो अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं जी, है ना जी। और ये वो प्रतिनिधि जो होगा, ये जरूरी नहीं है कि वो उनके उनका कर्मचारी हो, मीन्स उनके निगम के अंतर्गत आता हो जी, है जी, ना जी, जी। और जो सारा कंडक्ट न्यायालय का है जी, वो उसके समक्ष होगा जी, उसकी उपस्थिति में ही है। अगर कुछ निगम का कोई कर्मचारी या कोई अपराधी है, इसके विरुद्ध कोई अभियोग है जी, तो वो उसमें वो जो नामित व्यक्ति होगा वो पूरी उसके सामने ही सारी पैरवी की जाएगी, है ना जी। तो धारा 305 कॉरपोरेशन, निगम, सोसाइटीज, इनके सब के बारे में जी। थैंक यू सो मच सर। आज हमने जाना CRPC सेक्शन 304 और 305 के बारे में। हम पुराने वीडियो को इस वीडियो से कनेक्ट कर देंगे ताकि आप आसानी से हमारे पुराने वीडियो तक जा सकें। ऊपर आई की बटन आती है, वहाँ से भी आप पुराने वीडियो तक हमारे जा सकते हैं, प्लेलिस्ट खुल जाएगी वहाँ से। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम डिटेल डाल देंगे, वहाँ से भी आप हमारे पुराने वीडियो तक जा सकते हैं। आप देख रहे थे इंडियन लॉ। थैंक यू सो मच।